hello everyone this is yash sharma and as you all know that we are going to learn many things related to your examination and i am a teacher of english language and today we are going to learn new words related to your examination various kinds of examination whether it is ssc examination it can be bank examination it can be uh, defense examinations and others so i welcome you all to this online platform channel with the e-learning classes to aaj kuch words cover karte हम लोगों ने लास्ट टाइम सैटरडे वाले दिन एक वर्ड का एक पार्ट पढ़ा था कवर किया था वीडियो लेक्चर में और आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की और वर्ड्स जैसे कि आप जानते हो प्लेज अ की रोल टू क्रैक योर एग्जामिनेशंस वर्ड्स बेसिक यूनिट होता है किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए और हमारी जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं वर्ड्स के साथ उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो मुझे बताया जाता है स्टूडेंट्स के थ्रू वो ये बताया जाता है कि सर रूट वर्ड्स से हम चीजों को लर्न कर पाते हैं लेकिन जब बात होती है कुछ ऐसे वर्ड्स की जिनमें रूट्स नहीं होते तो उन्हें कैसे लर्न किया जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि उन्हें लर्न कैसे करें आप उन्हें लर्न करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन वर्ड्स को सेंटेंस से एसोसिएट कीजिए और सेंटेंस से एसोसिएट करने के लिए आप याद रखिए कि आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए नेचर ऑफ वर्ड्स वेदर इट इज नाउन प्रोनाउन एजेक्टिव बर्ब एडवर्ब प्रेपोजिशन एंड कंजेंशन इंटरजेक्शन तो आप लोगों को पता है कि एवरी सिंगल वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ स्पीच क्योंकि जब तक तो आपको यह नहीं पता होगा कि आप किस पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करें या कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है आप उसे सेंटेंस से एसोसिएट नहीं कर सकते और सेंटेंस से एसोसिएट करके ही आप किसी चीज को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो तो ये सारी बातें हम लोग कवर करेंगे चलिए समझते हैं शुरू करते हैं आपका सेशन आज जो काफी अच्छा होने वाला है पहला वर्ड है आपका क्यूगजोटिक देखिए क्यूगजोटिक एक कमांडर के नाम से आया क्यूग्जोट ये एक ऐसा कमांडर था जिसके आज तक जितने भी इसने प्लान बनाए वो सभी कैसे थे

होता है इमेजनरी क्लियर बोलते हैं काल्पनिक तो इमेजनरी बोल सकते हो आप इसे या इसके लिए वर्ड आता है कायमेरिकल. कायमेरिकल. तो इमेजनरी कर सकते हो आप इसके लिए कायमेरिकल यूज कर सकते हो एक और वर्ड आता है इसके लिए यूटोपियन एक वर्ड आता है यूटोपियन ठीक है यूटोपियन जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बनाए दो तो वर्ड होते हैं इसमें जैसे एक वर्ड होता है यूटोपिया यूटोपिया और एक वर्ड होता है आपका डिस्टोपिया डिस्टोपिया तो आप सभी जानते हैं यूटोपिया क्या होता है बिल्कुल यूटोपिया होता है हेवन तो यूटोपिया का जो वर्ड का मतलब है है वो होता है किससे हेवन है से से स्वर्ग और डिस्टोपिया का मतलब किससे होता है हेल से नर्क से क्लियर तो यूटोपिया एज जनाउन और यूटोपिया का जो एजेक्टिव बनेगा वो क्या बनेगा यूटोपियन तो जब हम यूटोपियन की बात करते हैं तो यूटोपिया का जो एजेक्टिव बनेगा यूटोपियन अब यूटोपियन का मतलब क्या होगा यूटोपियन का मतलब होगा हेवन है एंड इफ समिंग इज हैवन लाइक दैट मीनस इट इज बीजनरी कैसा है वो काल्पनिक है भाई सीधी सी बात है स्वर किसी ने नहीं देखा स्वर्ग की अगर हम बात करते हैं स्वर क्या है एक कल्पना तो है हमारी तो हैवन लाइक दैट इज यूटोपियन तो इमेजनरी काल एंड यूटोपियन क्लियर ना वट इज एज यूल नो दैट ऑल दार्टीज ऑल द नेशनल पार्टीज आर स्ट्रगलिंग फॉर गेटिंग सक्सेस इन इलेक्शन एंड दे आर शोइंग द यूटोपियन स्कीम टू दुअर पीपल ऑफ आवर कंट्री एंड एज यूल नो दैट दे गॉड नोज वैदर देफिल आवर डिमांड्स और दे आर स्कीम्स और नॉट बट एट द टाइम दे आर शोइंग द यूटोपियन स्कीम यूटोपियन स्कीम ऐसी स्कीम दिखाए ना जिसे कि काल्पनिक हो जैसे बोलते हैं हम लोग विजनरी या इमेजनरी क्लियर तो दैट इज यूटोपियन या बोल सकते हैं कायमेरिकल या बोल सकते हैं इमेजनरी क्लियर इट कैन बी सी इट अनप्रैक्टिकेबल क्लियर अनप्रैक्टिकल समथिंग विच इज नॉट प्रैक्टिकेबल अपोजिट क्या हो जाएगा इसका एजेक्टिव है अच्छा एक बात और मैं बता दूं अगर ये एजेक्टिव है तो इसके जितने भी सिनोनियम एंटोनिम बनेंगे वो सारे एजेक्टिव होंगे अगर बर् का सिनोनियम एंटोनियम बनाओ तो सीधे सीवादा सारे क्या होंगे बर्व होंगे अगर आप किसी एडवर को एसनोनिम्स एंटोनिम्स बनाते हो तो उसके सब क्या होंगे उसके एडवर होंगे क्लियर तो यह बात आपको बहुत याद रखनी पड़ेगी चलिए काइमेरिकल इमेजिनरी क्युजोटिक तो विजनरी ये सब किसके लिए आते हैं काल्पनिक के लिए दिस ऑल मींस काल्पनिक काल्पनिक तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल प्रैक्टिकेबल प्रैक्टिकल क्लियर रियल तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके अपोजिट हो जाएंगे तो पहला वर्ड आपके समझ में आया क्युजोटिक क्लियर नेचर है इसका एडजेक्टिव और काम करेगा इसमें किसका इमेजनरी कारमेरिकल यूटोपियन ये इसके सारे वर्ड हो जाएंगे सिनोनिम्स और ये इसका मतलब जो होगा वो क्या होगा काल्पनिक अगला वर्ड है मेग्नैनिमस मेग्नैनिमस एक ऐसा व्यक्ति वन इज वेरी जेनरस वन इज वेरी काइंड क्लियर जो बहुत दयालु टाइप का होता है तो मेग्नैनिमस जो वर्ड आता है वो आता है किसके लिए जेनरस के लिए जेनरस यह वर्ड आता है क्या काइंड दयालु क्लियर तो बहुत ज्यादा दयालु या लार्ज हार्टेड पर्सन जो बहुत बड़े दिल वाला होता है बहुत दयालु टाइप का व्यक्ति होता है बहुत होता है काइंड होता है क्लियर अच्छा एक बात और छोटी सी मैं आपको बता दूं जैसे कोई भी वर्ड किसी वर्ड का सिनोनिमी एंटोनिम नहीं होता यानी अगर हम उसको रिप्लेस करने की बात करें तो सीडीएस वगैरह लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं जो यूपीएससी लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उनमें क्या होता है जैसे सिनोनिम्स वगैरह भी देते हैं जैसे किसी का दे दिया पेलेस उसी के साथ दे दिया हीटलेस क्लियर तो ऐसे जो सिनोनिम एंटोनिम दिए जाते हैं जो बिल्कुल सिमिलर अर्थ रखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी वर्ड किसी वर्ड को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि अगर हम बोलते हैं जैसे पुलिस आई तो पुलिस अराइब्ड बोलते हैं केम नहीं बोलते तो हर वर्ड का अपनी जगह यूज होना उस पर वर्ड पर निर्भर करता है कि वो वर्ड किस जगह किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी वर्ड किसी का सिनोनिम नहीं होता कोई भी वर्ड किसी का एंटोनिम नहीं होता अगर थोड़ा सा भी अर्थ रखते हैं तो उसका क्या बन जाता है सिनोनिम बन जाता है जैसे मैं ये बात क्यों समझा रहा हूं आपको जैसे मिग्नेस का मतलब हो गया जेनरस काइंड होता है दयालु होता है क्लियर आप सभी को पता है ये सब किसके लिए आते हैं दयालु के लिए दयालु लेकिन अगर इसका मान लीजिए एक्स्ट्रा वेगेंट आ जाता है सिनोनिम कोई वर्ड दे दे जैसे तो आप कहेंगे सर एक्स्ट्रा वेगेंट तो होता है फिजुल खर्ची करने वाला क्लियर फिजुल खर्ची करने वाला या इसके लिए वर्ड आता है स्क्वेंडर -E -R -E -R. वर्ड आता है प्रोडिगल प्रोडिगल क्लियर v i s h तो ये सारे लोग कौन होते हैं ये होते हैं फिजूल खर्ची करने वाले तो अगर इनका सिनोनिम आ जाता है मान लीजिए मिग्नानिमस का आ जाए एक्स्ट्रा वेगेंट तो आप एक्स्ट्रा वेगेंट को लगाकर आएंगे वहां पर क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अर्थ रखिए तो उसका क्या होता है सिनोनिम होता है तो याद रखेगा एक्स्ट्राविगेंट हो जाएगा हो जाएगा एस क्यू एन डी इसके लिए प्रोडिगल वर्ड आता है, लैविश ही आता है तो ये सब इसके, इसके, इसके बिलोंग क्या होंगे तो सीधी सी बात एक्स्ट्राविगेंट हो गया फिजूल खर्ची करने वाला या मिग्नेनिमस हो गया कैसा बड़े दिल वाला तो ये हो जाएगा प्यूसिल एनिमस प्यूसिल एनिमस याद रखिएगा स्पेलिंग क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा पूछी जाती है पी यू यू एस एस आई आई एल एल ए एन एम ओ होता है स्मॉल हार्टेड जिसका हार्ट कैसा हो छोटा हो मतलब क्लोज फिस्टेड टाइप का कैसे व्यक्ति क्लोज फिस्टेड क्लोज क्लोज फिस्टेड फिस्टेड जानते हैं आप लोग क्लोज फिस्टेड वो होता है जो बहुत ज्यादा भीचू टाइप का होता है हम लोग बोलते हैं बड़ा भीचू आदमी है मतलब बहुत ज्यादा कैसा है क्लोज फिस्टेड है या कैसा है थ्रिफ्टी है इसके लिए वर्ड आता है टी एच आर आई एफ टीवाई थ्रिफ्टी क्लियर कंजूस के लिए क्लोज फिस्टेड आता है आता 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 है, uh, hands thrift आता है, है. है एक और है बोलते हैं तो so, लगा सकते हो आप माइजरली माइजरली तो ये सब किसके लिए आते हैं ये सब आते हैं कंजूस के लिए

चलिए आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड है बैगा बॉन्ड वी ए जी ए बीओ एनडी देखिए बैगा बॉन्ड क्या होता है बैगा बॉन्ड की अगर हम बात करें तो वैगा बॉन्ड का जो मतलब होता है वो होता है वैगरेन्ट इसके लिए एक वर्ड आता है वैगरेन्ट वी ए जी ए आर ए एन टी वी ए जी वैगरेंट जी ए आर ए एन टी वैग्रेंट आता है इसके लिए एक वर्ड आता है होमलेस इसको आप बोल सकते हो क्या होमलेस ये वर्ड आता है तो «Bagabon है yes के लिए आता है लिए आता होमलेस ए आर टी वैग्रेंट या इसके लिए वर्ड आता है होबो एच ओ ओ होबो कर सकते हो आप इसके लिए क्लियर तो ये सब कौन होते हैं ये लोग आवारा होते हैं आवारा आवारा जानते हैं आप लोग

क्या होता है कि कई सारे लोग आपने देखे बंजारे टाइप के रहते हैं आज यहां पर है, कहीं और उठाकर अपना डेरा कर वो चल दिए तो ऐसे लोगों को बोलते हैं हम लोग इटीरेंट या अपनी भाषा बोलते हैं नॉमेडिक्स ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है नॉमेडिक तो नॉमेडिक बोल सकते हो ऐसे लोगों को या इनके लिए वर्ड आता है मैवेक एमएर

तो ये सब बातें किसके लिए आवारा के लिए आवारा इज नॉट अ वर्ड ऑफ नेगेटिव सेंस आवारा मतलब वो जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है उसे बोलते हैं हम लोग आवारा नेक्स्ट वर्ड इज वर्चुआजो बात करें अगर वर्चुआजो की तो वर्चुआजो, क्या है वर्चुआजो एक विशेष कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है जैसे वर्चुआजो यूज होता है जैसे अगर मैं कहूं ए आर रहमानजो सिंगर लता मंगेशकर इज ऑल्सो एन वर्चुआजो सिंगर दैट मीनस वर्चुआजो होता है समवन स्किल्ड इन स्किल्ड इन म्यूजिक तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो म्यूजिक में निपुण है म्यूजिक में दक्ष है म्यूजिक में अच्छी पकड़ रखता है तो उसे बोलते हैं हम क्या ही इज 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 अ अ या शी शी क्लियर तो वर्चुआजो का जो मतलब होता है वो क्या होता है स्किल्ड होता है आप मान लीजिए एग्जामिनेशन में इन म्यूजिक नहीं आता केवल स्किल्ड आता है तो वर्चुआजो का मतलब आप क्या करोगे स्किल्ड करोगे या इसके लिए वर्ड आते हैं प्रोफिसियंट पी आर ओ F I C I E N T प्रोफिशिएंट कर सकते हो इसके लिए अम इसके लिए और वर्ड लिख सकते हो आप एड्रोइड A D R O I D एड्रोइड कर सकते हो क्लियर या इसके लिए वर्ड ला सकते हो डेक्सटेरस X T E R O U S डेक्सटेरस आ सकता है डेफ्ट आ सकता है D E F T डेफ्ट क्लियर या एक इडियम्स आता है एट होम इन एट होम इन तो ये सब आते हैं दक्ष या निपुण दक्ष या निपुण जैसे अगर मैं बोलूं ही इज एट होम इन इंग्लिश वह इंग्लिश में कैसा है दक्ष या निपुण है क्लियर तो ये सारे आ जाते हैं किसके लिए दक्ष या निपुण के लिए नोट कीजिए आगे बढ़ते हैं देखिए वो कैप पर आपको अच्छी कमांड करनी होगी क्योंकि आपके जितने भी कॉम्प्रेहेंशन है वो पूरा वो कैप पर निर्भर रहता है अगर आपको वो कैबलरी अच्छी नहीं आप कॉम्प्रेहेंशन नहीं कर पाएंगे देयर इज द सेंटेंसिस पी क्यू आर एस वो कैबलरी चाहिए उसके बाद हम बात करते हैं किसकी आपके जितने भी पैराग्राफ वगैरह होते हैं क्लोज टेस्ट वगैरह होते हैं क्लोज टेस्ट में सबसे ज़्यादा जरूरी वोकैबलरी उसके बाद आ जाइए आप सिनोनिम एंटोनिम्स वोकैब ईडियम्स वो कैब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वो कैब फ्रेजलवर वोकैबलरी उसके बाद अगर हम बात करते हैं एरर्स वगैरह की तो एरर्स वगैरह में कभी कभी क्या डाल देता है वोकैबलरी डाल देता है तो वर्ड्स प्लेज अ की रोल टू क्रैक योर एग्जामिनेशन वर्ड्स बेसिक यूनिट होती है लैंग्वेज बाद में पहले वर्ड्स और कम से कम आपको एस एस सी एग्जामिनेशन निकालने के लिए बैंक एग्जामिनेशन निकालने के लिए एयरफोर्स एग्जामिनेशन निकालने के लिए कम से कम आपको पाँच से छः हज़ार वर्ड्स की आवश्यकता पड़ेगी क्लियर चलिए समझते हैं और सभी जानते हैं आप लोग मेरिट बहुत हाई जाती है अब ऐसे सी कि कल मेरिट uh, आई आप सभी जानते हो कि बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे अगर बात करें हम uh, प्रीलिम्स की तो प्रीलिम्स में बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं मेन्स हो जाता है उसके बाद जब मेरिट जाती है ओवरऑल जो मेरिट लगती है वो बहुत ज़्यादा हाई लगती है तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपना बेसिक ही तैयार करना होगा अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है अगर मेरिट लेवल से दस से बीस मार्क्स आपके अधिक नहीं है तो वहां पर आप लोग थोड़े अनिश्चितताओं में रहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां हो गया क्विक्जोटिक अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड है टी आर एन होता है समवन हु इज अ पास्ट मास्टर बोलते किसको पास्ट मास्टर को पास्ट मास्टर बोल सकते हो आप इसे या इसके लिए आप वर्ड ला सकते हो एक्सपीरियंस्ड आर आई ई एन सी ई डी तो बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति जो होता है किसी भी चीज का बहुत ज्यादा अनुभव रखने वाला ऐसे व्यक्ति क्या बोल देते हैं हम बैटर्न बोल देते हैं पास्ट मास्टर बोल देते हैं या क्या बोल देते हैं हम लोग एक्सपीरियंस्ड क्लियर बहुत अनुभवी व्यक्ति इसका अगर हम अपोजिट की बात करें तो ये तो हो गया अनुभवी ये कौन हो गया अनुभवी किसी चीज का अच्छा अनुभव रखने वाला क्लियर प्रोफेशनल भी बोल सकते हैं इसे अपोजिट क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा नोविस मैंने पहले भी आपको पहले वीडियो में कवर कराए थे नोविस, एक होता है, तायरो. तायरो, एक होता है, नियोफाइट नोविस टाइरो नियोफाइट क्लियर या एक वर्ड होता है ग्रीन हॉर्न ग्रीन हॉर्न एक वर्ड होता है एम ए एम ए टी आर एम एच्योर ये सब कौन होते हैं ये सब होते हैं नौ सीखिया क्लियर ये सब कौन होते हैं नो सीखिया मतलब नौ सीखिया तो नौसिखिया ऐसे लोग जिन्हें अनुभव की भारी कमी होती है इन एक्सपीरियंस्ड, इन एक्सपीरियंस मतलब टायरो नोविस न्योफाइट ग्रीन हॉर्न एम सब कौन होते हैं अनुभव की भारी कमी रखने वाले एक और वर्ड होता है नाइव

बात करें फिलिस्तीन की देखिए ये इसराइल वाले फिलिस्तीन नहीं है जिसके पीछे लड़ाई हो रही है ये फिलिस्तीन क्या होता है ये फिलिस्तीन होता है टेंट इसके लिए एक आता डिले टेंट शायद मैंने आपको लिखाया भी हो टेंट तो टेंट कौन होता है इज कंप्लीटली इंडिफरेंट टू आर्ट साइंस और लिटरेचर ना तो ऐसा व्यक्ति जिसे ना तो किसी आर्ट की जरूरत ना साइंस की जरूरत ना लिटरेचर की जरूरत तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोल देते हैं हम लोग डिलेटेंट तो ऐसा व्यक्ति जिसे ना साइंस का कोई अनुभव ना आर्ट का कोई लिटरेचर का तो ऐसे व्यक्ति क्या बोलते हैं हम लोग अनपढ़ बोलते हैं तो ये व्यक्ति कौन होता है अनपढ़ होता है अनपढ़ क्लियर इसे इलिटरेट भी बोल सकते हो आप लोग ठहर वो सामान्य वर्ड हो जाएगा तो फिलिस्टीन डिलेटेंट कौन होते हैं अनपढ़ होते हैं एक वर्ड याद कीजिए मैंने आपको लिखाया था कॉन्ज C o एन एन ओ आई एस एस C सी ओ एन एन ओ आई एस एस U R एजर तो कॉनिजर की जब हम बात कर रहे थे तो कॉनिजर का मतलब मैंने आपको बताया था क्रिटिकल जज ऑफ एन आर्ट क्या बताया था अ क्रिटिकल जज क्रिटिकल जज ऑफ एन आर्ट तो किसी कला का पार्क ही क्या होता है किसी कला का पार्क कला कोई भी हो सकती है चाहे वो कुकिंग हो डांसिंग हो ईटिंग हो क्लियर प्लेइंग हो तो वो कोई भी कला हो उसका अच्छी समझ रखने वाला कौन होता है कॉन इज योर जिसका अपोजिट क्या हो जाएगा फिलिस्टीन या डेली इनका मतलब क्या होता है अनपढ़ होता है टाइमिंग क्लियर चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट वर्ड इज फास्टिडियस कैसे व्यक्ति को बोला जाता है फास्टिडियस ही इज अ फास्टिडियस पर्सन ही कैन नेवर बी हैप्पी यू कैन डू एवरीथिंग फॉर हिम बट ही कैन नेवर बी हैप्पी दैट्स वाई He is called a, fastish, a fastidious person. So fastidious अगर हम बात करें, तो fastidious की तो देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कैसे टाइप के होते हैं नकचड़े टाइप के जिन्हें हम अपनी भाषा में बोलते हैं नकचड़ा तो नकचड़ा मतलब बहुत ज्यादा फास्टिडियस हार्ड टू प्लीज जैसे खुश करना बहुत ज्यादा कैसा हो मुश्किल हो क्लियर तो उसे बोल हैं नकचड़ा अपनी भाषा में हम लोग बोल देते हैं क्या नकचड़ा Clear? तो नकचड़ा या आप बोल सकते हो इसे क्या हार टू प्लीज दस्टियस और एक व्यक्ति जो ज्यादा फन लविंग होता है उसे तो क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा फन लविंग को क्या बोला जाता है आगे बढ़ते हैं फास्टिडियस हो गया नक्चड़ा नेक्स्ट वर्ड इज एडुलेशन देखिए यहां पर ये यह नहीं है एडुलेशन जो होता है वो नाउन होता है एडुलेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक वर्ड आता है बटरिंग क्या वर्ड आता है बटरिंग बी यू डबल टी ई -E आर आई एन जी बटरिंग बोल सकते हो आ, या इसके लिए एक वर्ड आता है फ्लैटरी एफ एल ए डबल टी आर वाई तो बटरिंग बोल सकते हो फ्लैटरी बोल सकते हो चापलूसी क्लियर तो ये आती है किसके लिए चापलूसी के लिए चापलूसी डोंट बी कंफ्यूज विथ एडलेशन एंड एडल्ट्रेशन एडल्ट्रेशन मीनस एडल्ट्रेशन मिक्सअप समथिंग टू मेक समथिंग इमप्योर क्लियर किस चीज को मिक्सअप कर देना किस लिए इमर बनाने के लिए क्या हो जाएगा चापलूसी अब चापलूसी तो सीधी सी बात है यह कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन होगा क्लियर चापलूसी नाउन तो चापलूसी करने के लिए क्या आएगा चापलूसी करने के लिए वर्ड आता है कैजोल, कैजोल वर्ड आता है कोई कैजोल आता है कोक्स आता है चापलूसी करने के लिए फ्लैटर वर्ड आता है एफ एल ए डबल टी ई आर ये सब किसके लिए आते हैं चापलूसी करना ये सारे वर्ड जो आएंगे किसके लिए आएंगे चापलूसी करना तो ये सब बर्ब हो जाएगा ये सब क्या है आपके नाउन है तो नाउन मतलब चापलूसी बर्ब चापलूसी करना अगर हम बात करें इसके एडजेक्टिव की तो एडजेक्टिव क्या बनेगा इसका बिल्कुल चापलूस चापलूस के लिए वर्ड क्या क्या होते हैं एक वर्ड आता है सरमिल

फ्लेटर आ जाएगा ऑप्सिकियस आ जाएगा सर्विल आ जाएगा एक वर्ड आता है साइकोफेंट एस साइको एस वाई सी ओ पी एच एन टी साइकोफेंट तो साइकोफेंट साइको, साइको भी कौन होता है जो बहुत ज्यादा किसी की चापलूसी करता है तो साइकोफेंट सर्विल सरविल ऑप्सिकापलोस के, के, के लिए तो दीज ऑल आर एजेक्टिव के लिए देखिए सबसे ज्यादा जरूरी आपको वर्ड्स कन्वर्ट करने भी आने चाहिए जैसे हमें पता है कि अगर कोई वर्ड ले, ले लेते हैं स्ट्रॉ वर्ड दे रखा है तो स्ट्रॉग इज एन एडजेक्टिव। अब इसका नाउन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर इसका इसका क्या क्या बनेगा? इसका नाउन बनेगा क्या बनेगा? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से वर्ड आपको पता होने चाहिए जैसे वर्ब तो 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 है पनिशमेंट दंड है इसलिए नाउन है दंड नहीं है दैट इज क्लियर ऐसे कोई एक और वर्ड लेते हैं जैसे कोई भी वर्ड ले लीजिए लव नाउन और वर्ड दोनों हैं लवली एड वर्ग क्लियर तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड किस तरीके से कन्वर्ट होता है उसका नाउन क्या होता है वर्ग क्या होता है एजेक्टिव क्या होता है चलिए वो सब प्रैक्टिस से आएंगे प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड इज इट इरुडाइट की अगर हम बात करें तो के लिए एक वर्ड आता है सैगेशियस एस ए जी ए सी आई ओ एस तो बहुत ज्यादा सैगेशियस व्यक्ति जो होता है या बहुत ज्यादा प्रियुडेंट बोल सकते हो आप इसे प्रूडेंट प्रूडेंट कॉशियस आईओयूएस कॉशियस बोल सकते हो आप इसके लिए तो सैगेशियस प्रूडेंट कॉशियस स्कॉलरली एल ए आर एल वाई स्कॉलरली बोल सकते हो या वाइज आ सकता है इसके लिए वाइज तो ये सब किसके लिए आते हैं ये सब आते हैं किसके लिए विद्वान के लिए तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा होता है मैं याद रखता हूं मतलब बहुत ज्यादा साग सब्जी खाने वाला तो बहुत ज्यादा कैसा है विद्वान व्यक्ति है स्कॉलरली व्यक्ति है या इडुडाइट है तो बहुत ज्यादा कैसा विद्वान क्लियर अपोजिट क्या हो जाएगा बिल्कुल अपोजिट होगा इसका स्ट्यूबिट अपोजिट जो होगा इसका क्या होगा स्ट्यूपेट हो जाएगा या अपोजिट होगा ऑप्टूज तो ये कौन लोग होते हैं ये होते हैं मंदबुद्धि मंद बुद्धि इज स्लो टू लर्न जो एक व्यक्ति जो सीखने में बहुत ज्यादा कैसा है किसी काम को आ, स्लो है तो उसे बोलते हैं कैसा आदमी है मंद बुद्धि मतलब बहुत जल्दी नहीं सीख पाता बहुत धीरे धीरे सीखता है तो दैट इज स्टूपिट या ऑप्टिज क्लियर इसका अपोजिट हो जाएगा आ, फुलिश लगा सकते हो बिल्कुल फुलिशुल डबलओ एल आई एस एच अब आप सभी जानते हो क्लियर फूल क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा तो फूल फुलिश फुलिश क्या हो जाएगा फुलिशली इज एन एडबॉर क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नोटबुक लेकर बैठिए आप यकीन मानिए आपको करोगे ना तो बहुत सारे वर्ड आपके तैयार हो जाएंगे बाकी चीजें जैसे आगे जैसे तो आगे बढ़ती हैं चीजें जैसे-जैसे आपको पसंद है मैनी ऑफ यू आर और विल बी आर्डेंट फॉलोअर आर्ड एंडोवर ऑफ अ गेम आर्ट एंड फॉलोर ऑफ अक्टर एक्ट्रेस क्लियर आर्डेंट एंड फॉलोर ऑफ अ पॉलिटिशियन तो आर्डेंट का मतलब क्या होता है आर्डेंट का मतलब होता है एंथुजियास्टिक आर्डेंट का जो मतलब होता है वो होता है एंथुजियास्टिक एंथुजियास्टिक तो आर्डेंट एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एंथुजियास्टिक आर्डेंट एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा कैसा होता है एंथुजियास्टिक होता है कैसा व्यक्ति होता है

ये एक वर्ड आता है जॉनटी जे ए यू एन टी वाई तो एग्जुब्रेंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये वर्ड जो है पॉजिटिव एनर्जी वाला वर्ड है, बहुत वाला है is, exuberant. तो जॉनटी मतलब जनरली तो बच्चों के लिए आता है जो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं फुर्तीले रहते हैं जोश में रहते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए वर्ड आता है क्या जॉन्टी अफ्रीका का प्लेयर्स था जॉनटी रोड्स जो आप सभी जानते हो फेमस था किस चीज के लिए फील्डिंग के लिए तो बहुत लंबे लंबे छलांगे लगा लगा कर बॉलों को रोका करता था तो नाम क्या है जॉन्टी जॉन्टी मतलब बहुत ज़्यादा फुर्तीला टाइप का क्लियर उत्साह से भरा हुआ एक्साइटेड ऑफ़ कोर्स तो ये नोट कर लीजिएगा अपोजिट uh, क्या हो जाएगा बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा लेथार्जिक एल ई टी एच ए आर जी आई सी लेथार्जिक लेथार्जिक मतलब बहुत ज़्यादा आलसी टाइप का लेजी है ना आई डी एल ई आइडल लेजी भी बोल सकते हो आप इसे आलसी स्लगिश uh, बोल सकते हो एस एल यू डबल जी आई एस एच स्लगिश बोल सकते हो डोरमेंट बोल सकते हो डोरमेंट डोरमेंट या वर्ड आता है इसके लिए इनएक्टिव इनएक्टिव तो लिथार्जिक आइडल लेजी स्लगिश डोरमेंट इनएक्टिव ये सभी कैसे लोग होते हैं बहुत ज्यादा आलसी टाइप के क्लियर नोट कीजिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड इज सर्वेल देखिए सर्वेल अभी मैंने आपको बताया सर्वेल क्या होता है ऑप्शिक्यूस होता है सर्विल क्या होता है ऑप्शिकियस ऑप्सिकस बोल सकते हो आप इसे इसे आप फ्लैटर बोल सकते हो एफ एल फ्लैटर बोल सकते हैं साइकोफेंट बोल सकते हैं, साइकोफेंट, ये सब किसके लिए आते हैं चापलूस के लिए चापलूस क्लियर तो सर्विल साइकोफेंट ये सारे वर्ड चापलूस के लिए आते हैं और ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड होते हैं आपको याद ये भी रखना है कि टोन किसी वर्ड की कैसी है पॉजिटिव है या नेगेटिव है जैसे दो वर्ड होते हैं ब्रेव और एक होता है ब्रेजन ब्रेव जो वर्ड होता है वो होता है बहादुर और ब्रेजन होता है क्या हाँ, दुस्साहसी अब बहादुर और दुस्साहसी एक दूसरे सिनोनिम तो है लेकिन दुस्साहसी जो वर्ड है ब्रेजन या ऑडिशियस जो वर्ड है वो नेगेटिव अर्थ रखता है और ब्रेव कैसा अर्थ रखता है पॉजिटिव क्लियर तो ब्रेव और जहां ब्रेजन की हम बात करते हैं तो वहां ये भी याद रखना पड़ेगा हमें कि किन कंटेक्सट में हम लोग यूज कर रहे हैं ब्रेज और ब्रेजन तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड इज मैं इसे बिल्ली से याद रखता हूं एक वर्ड आता है बैलीकोज बैलीगेट या एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप इसके लिए बैलीकोज या एक वर्ड आता है कॉलेज कॉलेरिक कॉलेरिक यूज कर सकते हो या इसके लिए आप ला सकते हो बैलीगरेंट बैलिकोज कॉलेरिक या सम क्वायरल सम तो बैलीगरेंट बैलिकोज ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत झगड़ालू टाइप के होते हैं वन हु इज ऑलवेज इन अ वॉर लाइक मूड जो हमेशा कैसे मूड में रहता है लड़ाई के मूड में रहता है तो ऐसे व्यक्ति जो हमेशा लड़ाई के मूड में रहता है इसे हम क्या बोलते हैं बैलिकोज एंड बैलीगरेंट क्लियर तो ये सब कौन होते हैं झगड़ालू टाइप के लोग झगड़ालू और झगड़ालू से एक बात और याद रखिएगा एक वर्ड होता है टर्मागेंट 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 की अगर हम बात करें तो ये महिलाओं के लिए आता है जैसे कोई झगड़ालू महिला है तो उसके लिए वर्ड आता है टर्मागेंट क्लियर अक्वा झगड़ालू औरत के लिए वर्ड आता है टर्मागेंट तो कॉलेरिक बैलिग्रेंट बैलिकोज टर्मागेंट दिस ऑल आर यूज फॉर अ पर्सन लाइक मूड क्लियर अपोजिट क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा इसका पैसिफिस्ट पी ए सी आई एफ आई एस टी पी ए सी आई एफ आई एस टी पी ए सी आई एफ आई एस टी पैसिफिस्ट पैसिफिस्ट होता है लवर ऑफ पीस पैसिफिस्ट कैसे बोलते हैं अ लवर ऑफ अ लवर ऑफ पीस मतलब बहुत ज्यादा शांतिवादी जो शांति को पसंद करता है मतलब जो जैसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे व्यक्ति क्या बोलते हैं हम मतलब लोग पैसिफिस्ट अब पैसिफिस्ट शांतिवादी हो गया एक वर्ड होता है पैसीफाई क्या वर्ड होता है पैसिफाई पी आई एफ वाई तो पैसिफाई का मतलब होता है काम डाउन काम डाउन शांत करना पैसिफिस्ट इज इज एन अ क्लियर इससे रिलेटेड एक और वर्ड बनता है पैसिफिक पैसिफिक तो पैसिफिक का मतलब क्या होता है शांत पैसिफिक का मतलब होता है काम शांत अब देखिए एक आयरनी देखिए पैसिफिक ओशन जिसमें सबसे ज्यादा दुनिया के ज्वालामुखी आते हैं रिंग ऑफ फायर्स वहीं पर है सारी प्लेट जितनी भूकंप्स की हैं वो उससे रिलेटेड हैं जुड़ी हुई हैं अब उसमें हम बात करें अगर किसकी नाम की तो उसका नाम क्या रखा है पैसिफिक तो कोई अगर जोग्रफी के टीचर उसे जरूर पूछेगा कि इसका नाम पैसिफिक क्यों रखा है जब इतनी सारी हलचल इसमें होती है तो पैसिफिक नाम क्यों रखा गया क्योंकि पैसिफिक का मतलब क्या होता है शांत होता है क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट वर्ड इज इंडीजिनस इंडिजिनस की अगर हम बात करें तो इंडिजिनस के लिए एक वर्ड आता है जैसे इंडिजिनस एक वर्ड आता है इनजेनुअस जी ई एन यू ओ यू एस इनजेनुअस वर्ड आता है एक आता है इनजेनुअस uh, एक आता है इंजीनियस ई एन आई ओ यू एस ये तीन वर्ड आते हैं एक आता है इंजेनुअस इंडिजिनस और इंजीनियस बात करें अगर इंडिजिनस की तो इंडिजिनस इज कॉल्ड नेटिव 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 जानते हैं स वैक्सीन क्लियर तो इंडिजिनस का मतलब होता है समथिंग विच इज प्रोड्यूस इन वन कंट्री समथिंग दैट इज प्रोड्यूस इन वंस कंट्री क्लियर तो एक ही देश में बना हो जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करूं या इस पेन की बात करूं तो ये पेन कैसा है नेटिव है या इंडिजिनस है जितनी भी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती है जैसे वगैरह ये सारी टेक्नोलॉजी कैसी है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्लियर इनके लिए टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए वर्ड यूज किया जाता है जनरली है। तो नेटिव या इंडिजिनस की अगर हम बात करें तो ये होता है स्वदेशी स्वदेशी क्लियर तो और ई टी आई सी एक्सोटिकोटिक होता है विदेशी एक्सोटिक जो वर्ड आता है किसके लिए आता है विदेशी के लिए क्लियर तो एक्सोटिक विदेशी नेटिव और इंडिजिनस क्या होता है स्वदेशी चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा दो वर्ड और रह गए थे इसमें इंजेनुअस इंजेन की अगर हम बात करें तो इंडिजिनस की तरह ये वर्ड इनजेनुअस का मतलब होता है ट्रुथफुल ट्रुथफुल या इसके लिए वर्ड आप ला सकते हो जेनुअनि जेनुअन यूज कर सकते हो इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो ऑथेंटिक ट्रुथफुल जेनुअन ऑथेंटिक इंजेनुअस ये सारे वर्ड आते हैं किसके लिए सच्चा ईमानदार स्पष्ट क्लियर तो सच्चे व्यक्ति के लिए वर्ड आते हैं ट्रूथफुल जैनुअन ऑथेंटिक देखिए वर्ड्स पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप बाकी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्लीज एक नोटबुक तैयार कर लीजिए अच्छे तरीके से सारे लेक्चर्स को एक साथ नहीं देख सकते कोई दिक्कत नहीं है आराम से धीरे धीरे देखिए जितने वर्ड्स आप याद कर सकते हैं उस हिसाब से देखिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं इंजीनियस इंजीनियस की अगर हम बात करते इंजीनियस होता है जीनियस. G -E -N -I -U -S. Clear? बस याद ये रखना इसमें आता है और इसमें केवल क्या आता आता है है इसमें साउंड नहीं आता तो जीनियस इंजीनियस जीनियस जो जीनियस है वो कौन है इंजीनियस है मीन क्लियर नोट नेक्स्ट वर्ड इज वर्बोस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस वर्ड कॉल्ड टॉकी तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं टॉकी होते हैं बहुत ज्यादा बातूनी टाइप के लोग जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग कैसा व्यक्ति है वर्बोस है या इसके लिए एक वर्ड आता है वर्बिट आ, वर्बोस बोल सकते हो या इसके लिए वर्ड आता है गैरुस g a r r u l o u s या इसके लिए वर्ड आता है लोकेशियस l o q u a c i o u s क्लियर या इसके लिए वर्ड आता है

इंट्रोवर्ट के लिए जिसकी पर्सनैलिटी अंदर की ओर मुड़ी होती है बहुत कम बोलने वाला तो टेसीटर्न रेटिसेंट ये सब क्या होंगे इसके अपोजिट होंगे तो अपोजिट की अगर हम बात करें तो अपोजिट हो जाएंगे इसके रेटिसेंट ये एक वर्ड होता है टेसीटर्न टेसीटर्न क्लियर तो रेटिसेंट टेसीटर्न या इसके लिए वर्ड आ जाएगा कम बोलने के लिए शाई रिजर्व रिजर्व तो ये लोग कौन होते हैं इनहिबिट ये सारे वर्ड क्या होते हैं ये होते हैं कम बोलने वाले तो बहुत ज्यादा कम बोलने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बोलते हैं कम बोलने वाला। कम बोलने वाला। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं।, ये सारे नोट कर हैं आगे थोड़ा सा अगला वर्ड है यूटोपियन यूटोपियन अभी मैंने बताया क्या होता है क्यूक्टिक होता है क्यू यू आई एक्स ओ सी

एसवेज होता है टू मेक समथिंग विच इज वेरी पेनफुल लेस सीवियर यानी कोई भी चीज बहुत ज्यादा पेनफुल है आप लोग कोई भी दर्द वगैरह होता है आपके पेन वगैरह होता है तो आप करते क्या है कोई भी दवा खा लेते हैं और उस दवा से क्या होता है कि वो जो पेन होता है वो क्या हो जाता है लेस सीवियर होता है तो उसकी सीवियरिटी जो होती है वो कम हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं एसवेज कम करना क्लियर टू मेक टू मेक समथिंग टू मेक समथिंग सच एज सच एज पेन और प्रॉब्लम पेन और प्रॉब्लम प्रॉब्लम लेस सीवियर टू मेक समथिंग सच एज पेन और प्रॉब्लम लेस सीवियर यानी पेन कोई भी दर्द हो कष्ट हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो उसको क्या करना उसकी सीविरिटी को कम करना क्लियर तो उसे हम बोलते हैं क्या एसवेज याद रखेगा कम करना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड इज कॉबिनेंट कॉबिनेंट का मतलब जो होता है कॉबिनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट कॉबिनेंट का मतलब याद रखिएगा एग्रीमेंट कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट पैक्ट कॉम्प्रोमाइज तो कॉबिनेंट पैक्ट कॉम्प्रोमाइज ये एग्रीमेंट ये सब क्या होता है समझौता या इकरारनामा जैसे इकरारनामा कह लीजिए या क्या बोल सकते हम लोग समझौता बोल सकते समझौता इसके yes लिए वर्ड है सेटलमेंट सेटलमेंट तो ये सारे वर्ड जो आते हैं किसके लिए लिए थे कॉविनेंट के लिए. काफी अच्छा वर्ड है कॉविनेंट सेटलमेंट एग्रीमेंट क्लियर हैं आप लोगों का आ आ सकता है, compromise आ सकता है है दीज ऑल आर वर्ड्स रिलेटेड टू सेक्टिमोनियस अगला वर्ड है आपका सैक्टिमोनियस सेक्टिमोनियस की अगर हम बात यू सम मोटिवेट मोटिवेशनल स्पीच सम इंस्पिरेशनल स्पीच बट दे आल्सो दैम डू नॉट फॉलो देम, तो होता क्या है कि खुद तो अच्छे अच्छे स्पीच देते हैं लेकिन उनको खुद फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग सेंटीमोनियस yes, के लिए वर्ड आता है हिपोक्राइट 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 बोल सकते हो आप ऐसे लोगों को या इन लोगों के लिए एक वर्ड आता है इम्पोस्टर इम्पोस्टर क्लियर

कश्मीर इज एंड ऑल इज स्टिल एंड एपल ऑफ डिस्कर्ड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान चीजें समझ में आती हैं सुधरी हुई हैं लेकिन फिर भी अभी भी क्या है कंटेंशन चल रहा है बोलते हैं एक डियम होता है बॉन ऑफ कंटेंशन तो एन एपल ऑफ डिस्कर्ड या बॉन ऑफ कंटेंशन बात एक ही होती है इनका मतलब होता है झगड़े की जड़ तो डिस्कर्ड का अपोजिट होता है कनकर्ड कनकर्ड का मतलब होता है हारमनी कनकर्ड का अपोजिट क्या होता है हारमनी हारमनी होता है मेल मेल या मिलाप तो हारमनी जो आता है वो मेल मिलाप के लिए आता है क्लियर एक वर्ड और आता है गुणसीलियेट। गुणसीलियेट का का मतलब मतलब होता होता है है जैसे आपने सुना होगा बिहेवियर बिहेवियर कई लोगों का होता है। मतलब अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रहा है या कहीं पर झगड़ा हो रहा है तो उसको क्या कराते हैं वो लोग शांत करने का प्रयास करते हैं दोनों तो बोलते हैं कैसे लोग हैं बहुत ही ज्यादा कॉन्सिलेटरी बिहेवियर वाले हैं क्लियर तो हारमनी या कंकॉर्ट मेल मिलाप अपोजिट क्या हो जाएगा बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा डिस्कर्ट डिस्कर्ट हो जाएगा अपोजिट या इसके लिए वर्ड आता है कमोशन कमोशन, कमोशन होता है लड़ाई झगड़ा तो डिस्कर्ड कमोशन इसके अलावा इसमें आप लिख सकते हो डिस्प्यूट डिस्प्यूट क्लियर क्वारल आ सकता है क्वारल, क्वारल। तो क्वारल तो कमोशन, डिस्प्यूट, ये सब किसके लिए आते हैं लड़ाई झगड़े के लिए क्लियर नोट कर लीजिएगा कर सकते हो आप एक वर्ड और आता है काफी अच्छा कॉन्फ्रंटेशन

जी ई एंटी स्ट्रीजेंट बोल सकते हो आप इसे आर्डोस बोल सकते हो आर्डोस आर्डोस का मतलब भी कठोर होता है स्ट्रिजेंट का मतलब भी कठोर होता है क्लियर हार्ड हाँ बिल्कुल हार्ड बोल सकते हो आप इसे हार्ड हार्ड तो ardent, hard, बोल सकते हो इनफ्लैक्सिबल या इसके लिए वर्ड आ सकता है रिजिट रिजिट आर आई जी आई डी तो रिजिट आर्डोस हार्ड स्ट्रिंजेंट रिग्रस ये सब आते हैं किसके लिए कठोर के लिए क्लियर तो ये सब आते हैं किसके लिए कठोर के लिए कठोर अपोजिट क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा आपका डेलिकेट, डेलिकेट, सेंसिटिव सेंसिटिव क्लियर फ्रिजाइल एफ आर ए जी आई एलई -E. फ्रिजाइल जानते हैं आप लोग फ्रेजिल का मतलब होता है समथिंग ब्रिटिल फ्रेजिल के अलावा एक बार आता है क्या ब्रिटिल तो फ्रेजिल ब्रिटिल सेंसिटिव डेलिकेट दिस ऑल मीनस समथिंग दैट कैन बी इजिल ब्रोकन जिसको आसानी से क्या तोड़ा, क्या किया जा सके तोड़ा जा सके क्लियर तो दैट इज इसके फ्लैक्सिबल कर सकते हो आप इसका अपोजिट चलिए आगे बढ़ते हैं Next word is तो एमिकेबल क्या होता है समझिए एमिकेबल होता है ग्रिगेरियस uh, एक वर्ड आता है ग्रिगेरियस कहीं वर्ड आ जाए ना ग्रीक

सोसेबल क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज्यादा सामाजिक टाइप के होते हैं चार लोगों से जब तक तो बातें नहीं कर लेंगे खाना हजम नहीं होगा तो ऐसे लोगों क्या बोलते बोलते हैं हैं ग्रिगेरियस टाइप का हमारे बोलते हैं, बड़ा मिलनसार व्यक्ति है तो ग्रिगेरियस इसके लिए वर्ड आते मिलनसारिगेबल एमिकेबल ला सकते हो इसके लिए तो एमिकेबल ग्रिगेरियस एमियबल फ्रेंडली ला सकते हो आप इसके लिए फ्रेंडली यह इसके लिए वर्ड आ जाएगा सोसेबल एस ओ सी आई ए बी एल आ जाएगा तो ग्रेगेरियस एमिएबल, एमिकेबल सोसेबल तो ये बहुत ज्यादा कैसे लोग होते मिलनसार होते मित्रवत, मित्रवत होते मिलने जुलने वाले. और सारे होते हैं मित्रवत, और ये होते हैं एक दो वर्ड और याद आते वर्ड होता है प्रोटागोनिस्ट प्रोटागोनिस्ट और एक वर्ड होता है एंटागोनिस्ट वर्ड होता है प्रोटागोनिस्ट और एक होता है एंटागोनिस्ट क्लियर इन एवरी मूवी यू कैन सी दीज टू कैरेक्टर्स वन ऑफ दैम विल बी प्रोटागोनिस्ट एंड अनदर इज एंटागोनिस्ट समझ गए होंगे आप लोग तो प्रोटागोनिस्ट कौन होता है प्रोटागोनिस्ट हीरो -like. को बोलते हैं और एंटागोनिस्ट कौन होता है विलेन Villain. तो किसी भी मूवी का जो बिलेन होता है उसे बोलते हैं क्या एंटापोलिस्ट और किसी मूवी का जो हीरो नोट कीजिएगा अगर हम बात करें तो पैरागन पैरों के लिए पैरागन चप्पल नहीं पैरागन का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग यानी इसके लिए एक वर्ड आता है प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप या इसके लिए एक वर्ड आ सकता है पैराडाइम पैरा डी आई जी एन ई तो प्रोटोटाइप पैराडाइम या इसके लिए आप लिख सकते हो पैरागन प्रोटोटाइप पैराडाइम एक आता है एपिटोम एपिटोम क्लियर तो प्रोटोटाइप पैराडाइम एपिटोम पैरागन का मतलब होता है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समवन या परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग प्रोटोटाइप का थोड़ा सा मतलब अलग होता है क्योंकि प्रोटोटाइप की अगर हम बात करें तो प्रोटोटाइप जो होता है प्रोटोटाइप होता है न्यू फर्स्ट मॉडल ऑफ अ डिवाइस किसी भी डिवाइस का जो पहला मॉडल होता है कोई आज मार्केट में नई गाड़ी आती है कोई मार्केट में कोई नई डिवाइस आती है तो उसका जो पहला मॉडल होता है दैट इज प्रोटोटाइप क्लियर एंड दर्ड सेकंड वन इज पैराडाइम ऐसे भी लगते हैं लेकिन बोलते क्या है पैराडाइम एपिटोम जानते हो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सम और समथिंग जैसे अगर मैं कहूँ गांधी जी वॉज अ पैरागन ऑफ वर्च्यू गांधी जी गुणों के सबसे अच्छे उदाहरण थे तो दैट इज पैरागन याद रखिएगा पैरागन पैराडाइम सबका मतलब होता है अ परफेक्ट एग्जाम्पल इन्हें आप लोग मिशाल बोल सकते हो क्या बोल सकते हो मिशाल जलाने वाली नहीं पेश करने वाली बोलते हैं मिशाल पेश करना तो मिशाल दैट इज पैरागन नेक्स्ट वर्ड इज एनिमोसिटी एनिमोसिटी की जब हम बात करते हैं तो एनिमोसिटी होता है A strong feeling of strong feeling of feeling of hatred एनिमोसिटी क्या होता है स्ट्रॉ फीलिंग ऑफ हेटर्ट बहुत ही ज्यादा नफरत या घृणा के लिए यूज होता है ये तो ये वर्ड वर्ड तो जो आता है किसके लिए आता है नफरत के लिए तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा इसका लव अपोजिट क्या हो जाएगा लव हो जाएगा तो एनिमोसिटी स्ट्रॉग फीलिंग ऑफ हेटर्ड और लव क्या हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा क्लियर चलिए आगे समझते हैं इंट्रेपिड इंट्रेपिड एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा फियरलेस होता है इंट्रेपिड कैसे बोलते हैं फियरलेस या इसके लिए वर्ड आप लिख सकते हो डी ए यू एन टी लिख सकते हो फियरलेस लिख सकते हो ब्रेव आ सकता है बिल्कुल ब्रेव या वर्ड आ सकता है ब्रेजन बी आर ए जेडीएन या ऑडिशियस वर्ड आ सकता है ए यू डी ए सी आई ओ यू एस ऑडिशियस वर्ड आ सकता है या ऑडिशियस uh, के अलावा ब्रेब ब्रेजन ऑडिशियस फियरलेस डॉटलैस या इसके लिए आप बोल्ड ला सकते हो बोल्ड तो ये सब कौन होते हैं सब होते हैं निडर तो ऐसे लोग जो निडर होते हैं किसी चीज का उन्हें डर नहीं होता तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग फियरलेस डोंटलैस ब्रेब ब्रेजन ऑडिशियस ए यू डी ए सी आई ओ यू एस और बोल्ड ऑडेशियस एंड ब्रेजन इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड्स जो ऑल्सो ऑडिशियस वर्ड होता है या ब्रेजन वर्ड होता है कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं मैंने बताया था डेशियस और ब्रेजन का मतलब होता है दुस्साहसी बाकी सबका मतलब साहसी होता है अब देखिए नेगेटिव होते हुए भी एक दूसरे क्या होते है? Synonyms होते हैं हैं। हैं अगर examination में आते हैं, तो आप उसे कर क्लियर चलिए लास्ट लेते हैं इसमें। approgate. ये एब्रोगेट वर्ड है एब्रोगेट वर्ड एब्रोगेट की अगर हम बात करें द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एब्रोगेट द्री फॉर्म बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक ऑफ फार्मर्स तो की की क्या किया गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने जो थ्री उनको क्या करेगा एब्रोगेट का दु दु अवे. या इसके लिए समाप्त करना खत्म करना क्लियर तो डू अवे विद रिपील एब्रोगेट यह सब किसके लिए आते हैं समाप्त करना क्या समाप्त करनामेंट राइट अ लॉ क्लियर तो ये समाप्त करने के लिए वर्ड आता है क्या एब्रोगेट समाप्त करना समाप्त करना याद रखिएगा नेक्स्ट वर्ड इज डेफरेंस दिस इज कॉल्ड डिफरेंस नॉट क्या होता है डेफरेंस की अगर हम बात करें तो डेफरेंस इज आर नाउन डिफरेंस का मतलब होता है अंतर करना डेफरेंस का मतलब होता है ऑनर एच ओ एन ओ यू आर ऑनर होता है इसके लिए वर्ड आता है रिगार्ड क्लियर रिगार्ड ऑनर कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं आप लोग कॉम्प्लीमेंट याद रखिएगा -E 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 दूसरी चीज को क्या करे पूरा करे दैट इज कॉम्प्लीमेंट ई वाला और आई वाला जो होता है, ये होता है किसी की प्रशंसा करना या दूसरा जो एक तो प्रशंसा के लिए आता है बोलते हैं हम लोग नाइस कॉम्प्लीमेंट एक आता है कॉम्प्लीमेंट सम्मान के लिए दोनों के लिए आता है प्रशंसा के लिए भी और सम्मान के लिए भी तो यहां पर जो वर्ड है इन सबका इसका मतलब क्या है सम्मान सम्मान द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्नोक्शियस ऑब्नोक्शियस की अगर हम बात करें तो ऑब्नोक्शियस काफी अच्छा वर्ड है ऑब्नोक्शियस के लिए वर्ड आता है हीनियस ऑब्नोक्शियस के लिए एक वर्ड आता है heinious, या इसके लिए वर्ड आता है ओडियस ओडियस या एक वर्ड आता है एबोमिनेबल एबोमिनेबल तो ऑडिश ऑडियस एबोमिनेबल हीनियस ऑब्नोक्शियस या एबोरेंट ए बी एच ओ डबल आर ई एन टी क्लियर एबोरेंट तो यह सब किसके लिए आते हैं ये आते हैं घ्रणित के लिए घृणित कई बार सुना भी होगा आपने हीनियस क्राइम ऑपनोक्सियर तो ऑपनोक्समथिंग दैट इज वेरी डिस्कस्टिंग क्लियर अन प्लीजिंग तो इसे बोलते हैं घृणित एंड द लास्ट नेक्स्ट वन इज पार्सीमोनियस पार्सिमोनियस की अगर हम बात करें तो पार्सिमोनियस मैंने अभी आपको बताया कंजूस थ्रिफ्टी uh, थ्रिफ्टी बोल सकते हो आप इसे क्लोज फिस्टेट क्लोज फिस्टेट बोल सकते हो क्लियर हैंड्स थ्रिफ्ट बोल सकते हो हैंड्स थ्रिफ्ट तो ये सारे वर्ड थ्रिफ्टी क्लोज फिस्टेड हैंड्स थ्रिफ्ट पार्सिमोनियस या इसके लिए और भी वर्ड आ सकते हैं निगार्डली निगार्डली माइजरली माइजरली ये सब किसके लिए आते हैं कंजूस के लिए ये सारे जो वर्ड आते हैं वो किसके लिए आते हैं कंजूस के लिए क्लियर देखिए देख देख वर्ड जो याद किए हैं है। एक बात समझिए दो बातें एक व्यक्ति आपको कभी कभी दिखाई देता है और एक व्यक्ति है जो आपकी आंखों के सामने से डेली निकलता है ये रिवीजन 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 क्यों बताया जाता है ये इसलिए बताया जाता है कि जब कोई चीज आपकी आंखों से बार 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 निकलती है तो आपको वो चीज याद रहती है उसके अबेचा जो आप कभी कभार देख रहे हो तो इसलिए आपको बोला जाता है कि जब भी चीजों को पढ़ो तो बार 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 उन्हें रिवाइज करते रहो क्लियर चलिए लास्ट स्लाइड लेते हैं नेक्स्ट वर्ड इज डिलीजेंट डिलीजेंट का मतलब होता है आसिडियस आसिडियस येस के लिए वर्ड आता है इंडस्ट्रियस इसके लिए वर्ड आता है इंडस्ट्रियस डी यू एस टी आर आई ओ यू एस क्लियर येस के लिए आता है हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग आता है ये yes इसके लिए वर्ड आता है पेन स्टेकिंग पेन स्टेकिंग पेन स्टेकिंग

जो वर्ड आता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड एडिशन वाले जो लोग होते हैं जो सेल्फ कॉम्प्लीसेंट होते हैं और सेल्फ कॉम्प्लीसेंट होना बहुत बुरा भी नहीं है कॉम्प्लीसेंट ही सेल्फ सेटिस्फाइड होता है तो कॉम्प्लीसेंट होना बुरा भी नहीं है लेकिन जहां आपके पास कैलिबर है आप आगे कुछ कर सकते हैं तो वहां कॉम्प्लीसेंट रहना बहुत ही गलत बात है तो वहां जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइप के लोग होते हैं लिमिटेड एडिशन वाले होते हैं दैट तो इज़ पैरोल और पैरोल जो आता है वो इस नैरो माइंडेड लोगों के लिए भी आता है अ पर्सन हु आर वेरी नैरो माइंडेड पर्सन दैट इज पैरोकियल क्लियर माइंडेड छोटी सोच वाले नैरो नैरो माइंडेड तो ऐसे लोग जो छोटी सोच वाले होते हैं दैट इज पैरोकियल तो नैरो माइंडेड लोग इन्हें बोलते हैं छोटी सोच वाले कोई व्यक्ति छोटी सोच वाला है वो नैरो माइंडेड होता है क्या ब्रॉड माइंडेड क्या हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटोटाइप ये सही वर्ड है अभी मैंने इसका लिखा दिया आपको प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप की अगर हम बात करते पैरागन पैरागन क्या मतलब बताया था अभी पैरागन का पैरागन होता है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समवन और समथिंग क्लियर पैराडाइम लिखाया था इसके लिए पैराडाइम डी आई जी एम ई पैराडाइम लिखाया था प्रोटोटाइप होता है क्लियर और एपिटोम बताया था एपिटोम पिछली वीडियो में मैंने आपको एपीटैफ बताया था एपी क्या होता है

शॉर्ट सिंग फॉर एम्यूजमेंट किसी भी एम्यूजमेंट के लिए आप शॉर्ट सिंग जो आप कुछ भी चुटकुला टाइप का बोलते हैं एपीग्रा नेक्स्ट वर्ड इज बर्गलर बर्गलर की अगर हम बात करें तो वर्गलर का जो मतलब होता है ये होता है वन हुस इन टू वंस होम वन हु ब्रेक्स हुटू वंस होम इन ऑर्डर टू स्टील इन ऑर्डर टू स्टील तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के घर में घुस जाता है किस लिए चोरी करने के उद्देश्य होते हैं बोलते हैं क्या बर्गलर या चोर क्लियर तो एक स्लाइड और ले लें अगर आपकी इच्छा हो तो छोटी सी नेक्स्ट वर्ड इज इटेमोलॉजी इटेमोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स स्टडी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड किसी वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई जैसे मैंने क्यूक्ोटिक पढ़ाया था आपको भी ऐसा वर्ड जिसकी उत्पत्ति के बारे में पता किया जाता है तो शब्द उत्पत्ति विज्ञान जो होता है शब्द उत्पत्ति विज्ञानोलॉजी एगेलिटेरियन कौन होता है एगेलिटेरियन होता है समतावादी समतावादी जानते हैं आप लोग समतावादी होता है वन हु थिंक्स दैट एवरी पर्सन इज इक्वल एंड देयर फोर वी शुड हैव राइट इक्वली Clear? तो ऐसे व्यक्ति जो ये मानकर चलता है कि सब लोग कैसे हैं सब इक्वल है वन हु थिंग्स वन हुस वन हुस दैट एवरी पर्सन इज इक्वल क्लियर इसको बोलते हैं समतावादी ियम समतावादी तो ये सोचकर चलता है कि सारे लोग कैसे हैं समान हैं सभी को प्रिविलेज मिलने चाहिए सभी को अपने अधिकार पता होने चाहिए मतलब सारे अधिकारों को एंजॉय करना चाहिए सभी को नेक्स्ट वर्ड इज ऑरेंथोलॉजी बोलते हैं पक्षी विज्ञान द स्टडी ऑफ वर्ड्स द स्टडी ऑफ वर्ड्स तो ऐसा व्यक्ति जो पक्षियों का अध्ययन करता है जो पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग ऑरेंथोलॉजी याद रखिएगा एंड नेक्स्ट वर्ड इज पैनिसिया पैनेसिया होता है क्योर ऑफ ऑल डिसीज क्योर ऑफ ऑल डिसीज हमारे बोलते हैं रामबाण औस्ती रामी मतलब सारी जितनी भी बीमारी उनको सबके लिए एक ही औषधि जो काम करे उसे बोलते हैं क्या रामबाण औस्थी याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं पैसिफिस्ट अभी बताया था मैंने लवर ऑफ पीस अ लवर ऑफ पीस तो ऐसा व्यक्ति जो किसका होता है जैसे शांत प्रिय व्यक्ति होता है शांत प्रिय बिल्कुल नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा हो लोगों में शांत लोग मिलकर रहे खुश रहे तो ऐसे व्यक्ति क्या बोलते हैं पैसिफिस्ट और जो लड़ाई झगड़ा चाहता है कॉलेरिकलीकोज क्लियर टर्मागेंट वर्ड होता, वर होता है आपका एक तो सिनेक्योर होता है और एक वर्ड होता है ऑनोरे बर्ड आता है ऑनोरे तो ऑनोरेरी में क्या होता है ऑनोरेरी जानते हैं आप लोग कई ऐसी जॉब जिसमें सैलरी बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है और काम बहुत है तो उस जॉब को हम बोलते हैं क्या ऑनोरेरी लो सैलरी लो सैलरी या ऐसे लिखेगा हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉन्सिबिलिटी बट लो सैलरी बट लो सैलरी तो ऐसी कोई कंडीशन जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा कैसी हो हाई हो लेकिन सैलरी कैसी हो ना के बराबर हो, उसे बोलते हैं क्या ऑर्डररी ऑर्डनेरी होता है अवैतनिक अवैतनिक, क्लियर बात करें अगर सिनिक्योर की तो सिनिक्योर का मतलब क्या होता है सीनिक्योर अपोजिट होता है इसमें लो रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉन्सिबिलिटी बट हाई सैलरी बट हाई सैलरी इसमें क्या होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ना के बराबर होती है लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा कैसी होती है हाई होती है दैट इज ज्यादा हो सैलरी कम हो दैट इज ऑनर क्लियर एम्बेजलमेंट जानते हैं हम लोग एम्बेजलमेंट बोलते हैं गबन को गबन जानते हैं हम लोग घोटाला क्लियर तो कोई पैसे वगैरह गबन कर देते हैं हम उसे बोलते हैं एम्बेजलमेंट Euthanasia. Euthanasia होता है इच्छा मृत्यु कैसे बोलते हैं इच्छा मृत्यु यू यू डिजायर टू बी किल्ड और वेन यू डिजायर टू बी टू गिव अप योर लाइफ दैट इज यूनसिया यूथेनिसिया मतलब होता है इच्छा मृत्यु इच्छा मृत्यु क्लियर तो ये कुछ वर्ड्स थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए नेक्स्ट सैटरडे को फिर मिलेंगे अगले वर्ड्स के साथ बाकी मंडे वगैरह में हम लोग कर ही रहे हैं वीडियो की अगर बात करें तो कल किसी प्रोग्राम में जाने की वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाए आप लोगों के लिए वो तैयार है बनी हुई है जो नाउन का छठा या सातवां पार्ट है तो उसे आप देखिएगा अच्छे तरीके से उसे कवर करने के बाद केस और जेंडर फिनिश करने के बाद हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे उसके जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं नाउन से रिलेटेड वो सारी कवर करेंगे बाकी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए कोई दिक्कत है ज़रूर बताइएगा लेकिन वर्ड्स जरूर आपके अच्छे होने चाहिए अब नेक्स्ट वीडियो में आप वर्ड्स के अलावा एडियम्स भी देखेंगे या वनवर्ड्स देखेंगे तो वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे लेकिन पढ़ते रहिए और एस वगैरह के एग्जामिनेशन के या बैंक एग्जामिनेशन की जो वेट है वो मत कीजिए अभी से आप शुरू कीजिए धीरे 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 चीज़ों को पूरा कीजिए क्लियर तो आप सीधे ज़्यादा दृढ़ता से जो प्रेजर्वेंस होता है अगर आप उससे तैयारी करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते तो वहाँ कहीं ना कहीं समस्या जरूर आती है तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में